हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 देखेंगे। ओके, चैप्टर 1 का एक्चुअली इसमें हम लोग बस नोट्स के बारे में देखेंगे। ओके, नोट्स आपको शॉर्ट नोट मिलेगा। एक्चुअली जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हम लोग बस नोट देखेंगे। ओके, आपको किस तरीके से आपका कॉपी में नोट बनाना है। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो जितना यहाँ पर लिखा हुआ है इतना आप नोट बना सकते हैं। ये बेसिकली बस स्पेशली नोट्स के लिए है। तो देखिए, आपको इस तरीके से सबसे पहले चार्ट बना लेना है। यहाँ पर देखिए अध्याय के बारे में। ओके, अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पदार्थ, उसके बाद पदार्थ का 3 अवस्था पढ़ना पड़ेगा। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। और यहाँ पर कुछ संक्षिप्त में ठोस, द्रव और गैस के बारे में नोट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखिए ठोस का जो नेचर होता है, कैरेक्टर होता है, वो उसका आकार देखिए निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। देखिए ठोस का बहाव नहीं होता है, क्लियर है। उसके बाद नीचे देखिए ठोस का कण अत्यंत पास होते हैं, यानी कि आस पास होते हैं। और देखिए संपीडन इसमें नगण्य होता है। और देखिए द्रव का, ओके, द्रव में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, फिर निश्चित आयतन होता है द्रव में। उसके बाद देखिए द्रव में बहाव होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, फिर देखिए द्रव में कुछ संपीडन पाया जाता है। उसी प्रकार फिर देखिए यहाँ पर गैस में देखेंगे तो इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, उसी तरीके से इसका आयतन भी अनिश्चित होगा। फिर नेक्स्ट हमारा इसका बहाव भी होता है, गैस का बहाव होगा और द्रव का भी बहाव होता है, क्लियर है। गैस का बहाव होता है, द्रव का भी बहाव होता है। और गैस में देखिए कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है, बहुत ही ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। फिर देखिए जो गैस होते हैं बहुत ज़्यादा संपीडन होता है उनमें। तो इस तरीके से आपको चार्ट बना लेना है सबसे पहले यहाँ पर। फिर हम लोग नेक्स्ट पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। देखिए पदार्थ, ओके, तो पदार्थ का परिभाषा आपको याद भी कर लेना है। आप नोट में लिखिएगा, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आस पास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है, क्लियर है। इसे नोट कर लीजिए, यानी कि कहा जा रहा है बस आसपास जो कुछ भी दिख रहा है सब पदार्थ है, सबको हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी वस्तु हमको दिख रहा है, विद्यमान है, मौजूद है, हर एक में पदार्थ है। फिर देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है, ये इसका कैरेक्टर है, ओके, इसका गुण है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसमें आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना है यह सतत नहीं, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, क्लियर। देखिए पदार्थ का जो भौतिक गुण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है आपको। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यह सतत नहीं है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, पदार्थ के कणों की अभिलांक्षिक गुण, ओके, पदार्थ के कणों के अभिलांक्षिक गुण। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर से आपका हेडलाइन है, नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए कण मतलब पहला नंबर, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए नीचे स्टार बनाकर आपको लिखना है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्लियर है। फिर देखिए सेकंड नंबर में है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान पाया जाता है, क्लियर है। जैसे हम लोग नींबू पानी बनाते हैं तो पानी के बीच में नींबू का रस वहाँ पर अपना स्थान बना लेता है, क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको डायग्राम, इसे भी आपको अपने नोट पर बना लेना है। देखिए सबसे पहले जल डाले हैं हम लोग यहाँ पर, उसके बाद नीचे लवण मिला दिए हैं, लवण कहने का मतलब नमक, क्लियर है, नमक। उसके बाद इसको हम लोग सेक करेंगे, इसको मिलाएंगे हम लोग, तो फिर देखिए यहाँ पर जल और लवण, यानी कि जल और नमक दोनों मिक्स हो जाएगा। लवण है मतलब जो नमक है वो देखिए जल का बीच बीच में यहाँ पर जो रिक्त स्थान होता है जल के बीच उसमें आ जाएगा, इस तरीके से मिक्सचर बन जाएगा। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए तीसरा नंबर, ओके, तीसरा नंबर देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्लियर है। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, क्लियर है। ये मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। नल से पानी हम लोग जब निकालते हैं तब हम लोग पानी के बीच में अपना अंगुली डाल देते हैं तो क्या पानी अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है? नहीं होता है, क्लियर है। धार नहीं टूटता है, वो मतलब कंटिन्यू ही रहता है। फिर देखिए यहाँ पर स्टार बनाकर आपको लिखना है, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान
और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम और गैस अवस्था में अधिक होता है। फिर नेक्स्ट स्टार बनाकर लिखना है आपको, आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। स्टार में आप लिखिएगा, गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। क्लियर है? तो इतना आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला डायग्राम आएगा, तो इसको आपको ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ठोस है, तो ठोस इस तरीके से रहता है। यहाँ पर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा आपको, बीच बीच में ये रिक्त स्थान है, बहुत ही कम पाया जाता है। उसके बाद देखिए द्रव में, द्रव में क्या होता है कि थोड़ा सा रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गैस में और अधिक रिक्त स्थान होता है। देखिए यहाँ पर जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये सब रिक्त स्थान है। क्लियर है? और यहाँ पर देखिए जो गैस का कण है, फ्रीली इधर उधर मूव कर पा रहा है। इसको भी आपको ड्रॉ करना है सेम जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फिर से दिखाया हुआ है, ठोस इस तरीके से अरेंज रहता है, द्रव इस तरीके से रहता है और गैस इस तरीके से रहता है। यानी कि गैस का जो कण है वो दूर दूर होता है, बीच में आकर्षण बल कम होता है, बीच में जो दूरी होता है दो कणों के बीच का दूरी वो अधिक होता है। यानी कि अंत यहाँ पर जो बीच बीच का जो स्पेस है वो बहुत इंटर स्पेस बहुत अधिक होता है। क्लियर है? अब देखते हैं नीचे, देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। क्लियर है? भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, पहला ठोस, द्रव, तीसरा गैस। ओके, अब देखिए हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्था में विभाजित कर सकते हैं। देखिए हम मानव शरीर को भी तीन अवस्था में विभाजित कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए पहला है हड्डियों और दांत, जैसे ठोस अवस्था है। क्लियर है? फिर देखिए ब्लड यानी कि रक्त और जल, ये द्रव है। फिर तीसरा देखिए फेफड़े में हवा यानी कि गैसीय अवस्था, 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग अपना शरीर को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअल में ठोस, द्रव और गैस में। अब देखते हैं ठोस अवस्था क्या है। ओके, ठोस अवस्था देखिए इस तरीके से आपको नोट बनाना है। ठोस अवस्था लिखने के बाद नीचे लिखना है, पहला नंबर में एक निश्चित आकार होता है। क्लियर है? ठोस का एक निश्चित आकार होता है। सेकेंड नंबर में ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। ओके, फिर नेक्स्ट है तीसरा नंबर, निश्चित या स्थिर आयतन होता है। फिर चौथा देखिए, इनकी संपीड़ता नगण्य होते हैं, ये दृढ़ होते हैं। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए उदाहरण में क्या क्या है, बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यंत बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाता है। फिर दूसरा देखिए, ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसीलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ यानी कि रिजिड आकार होता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टल का आकार वही रहता है। क्लियर है? मान के चलिए यहाँ पर एक डब्बा है, कुछ भी यहाँ पर मान के चलिए एक गिलास है, यहाँ पर आप चीनी रखिएगा तो एक्चुअली चीनी का आकार नहीं बदलता है, बस चीनी का थोड़ा सा यहाँ पर चीनी बर्तन का आकार ले लेता है, चीनी का जो कण होता है उसका आकार नहीं बदलता है, इसलिए चीनी ठोस है। फिर नेक्स्ट देखिए, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, बहाव से हवा बाहर निकल जाती है। ओके, तो स्पंज भी हमारा ठोस है। अब देखते हैं नेक्स्ट द्रव्य अवस्था, द्रव अवस्था। पहला नंबर देखिए, द्रव तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है। दूसरा नंबर देखिए, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। क्लियर है? फिर देखिए तीसरा, द्रव का निश्चित आयतन होता है। फिर चौथा देखिए, द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, बहुत ही कम संपीड़न होता है, बट संपीड़न होता है, कम होता है। अब देखिए इसके नीचे आपको स्टार बनाकर लिखना है, द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तीसरा देखिए, गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती है और यही जलीय पौधे व जीव यानी कि एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। क्लियर है? देखिए पानी में जो मछली रहती है वो कैसे जिंदा रहती है, पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों घुला रहता है और इसी का यूज करता है जितना भी जलीय जीव है और जलीय पौधा है। नेक्स्ट देखिए, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है। क्लियर है? जो कणों में जो गति होती है द्रव में अधिक होता है ठोस की अपेक्षा, और ठोस में कणों की गति कम होती है।
क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट गैसीय अवस्था। ओके, गैसीय अवस्था, गैसों में बहाव होता है, कॉमन सी बात है, गैस बहता है। नेक्स्ट दूसरा देखिए, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैस को हम लोग अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। तीसरा देखिए, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है। फिर चौथा देखिए, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। फिर देखिए पांचवा, गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए नीचे देखिए, गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। अब नीचे देखिए, आपको लिखना है नीचे देखिए, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसीलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो ये दोनों को हम लोग समराइज कर लेते हैं। देखिए गैस का आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसमें बहाव पाया जाता है। और देखिए इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का शेप ले लेता है, उसी बर्तन का आयतन ले लेता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। देखिए पदार्थ की अवस्था को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे ठोस से हम लोग इसको द्रव बना सकते हैं, द्रव से ठोस बना सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, यानी कि पानी जो है वो एक पदार्थ है और पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे ठोस देखिए बर्फ पाया जाता है, द्रव पानी के रूप में रहता है, और देखिए गैस यानी कि वाष्प के रूप में पाया जाता है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए तापमान में परिवर्तन, ओके, तापमान में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसको बनाना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई भी बर्तन ले लेना है। क्लियर है। इसमें पानी रखकर नीचे से गर्म करेंगे और ऊपर थर्मामीटर रखेंगे, तो फिर तापमान तो बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो फिर इसका जो कण है वो ऊपर वाष्प के रूप में बदल जाएगा, यानी कि गैस बदल जाएगा तरल से। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, देखिए गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर, ओके, जिस तापमान पर यानी कि वायुमंडलीय दाब पर, जिस तापमान में कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। देखिए गलनांक, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर, ओके, कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मानकर चलिए बर्फ का पानी कर लेते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस बन रहा है। इसी तरीके से अगर बर्फ़ का लेंगे हम लोग, तो ये बर्फ का तो 0 डिग्री में बर्फ बनता है। ओके, तो बर्फ से पानी जिस भी तापमान से बनेगा उसी को बोलेंगे उसका गलनांक। देखते हैं बर्फ का गलनांक, देखिए 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, बर्फ़ का जो गलनांक है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग केल्विन में देखेंगे तो 273 हो जाएगा। अब नीचे देखिए, जब बर्फ़ पिघलती है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि गलनांक की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है, गुप्त ऊष्मा। ओके, गुप्त ऊष्मा, तो हम लोग चलिए समझते हैं कि गलनांक की गुप्त ऊष्मा क्या है। देखिए गलनांक की गुप्त ऊष्मा, ओके, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, यहाँ पर देखिए बदलने के लिए दो बार हो गया, बदलने के लिए आपको एक बार लिखना है, बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। ओके, तो यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए, इसी तरीके से आपको लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको याद भी करते चलना है, उसमें ऊर्जा क्या है। ओके, उसमें ऊर्जा क्या है, यह सबको आपको याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्वथनांक। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। ओके, देखिए जल का क्वथनांक
373 केल्विन है, यानी कि 273 हम लोग 100 जोड़ देंगे तो केल्विन बदल जाता है, तो 373 केल्विन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, और एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूँ, एक यहाँ पर देखिए गलनांक, तो कोई भी ठोस जिस तापमान पर गलना शुरू होता है उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए गलनांक, और कोई भी ठोस यानी कि कोई भी ठोस या द्रव, ओके ठोस या द्रव जिस तापमान पर वह बॉइल होना शुरू होता है यानी कि उबलना शुरू होता है उसको बोलते हैं हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक। ओके, गलना यानी कि गलने वाला तापमान, और क्वथनांक मतलब बॉइल होने वाला तापमान, उबलने वाला तापमान। अब नीचे देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, और देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो देखिए वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण के लिए जितना हम लोगों को ऊष्मा का जरूरत पड़ता है उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ओके, तो इतना सारा आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। क्लियर है? तो देखिए ये समझना है, यहाँ पर मानकर चलिए यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है, ओके पानी रखा हुआ है, तो यहाँ पर जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ये उबलना शुरू होता है और भाप बनकर ऊपर जाता है। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसका तापमान हो ही नहीं सकता है, पानी गर्म करेंगे तो हम लोग, कोई भी पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो नहीं सकता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है तो समझिए भाप बन के उड़ जा रहा है, और जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं सब भाप बनने में लग रहा है, यानी कि जो बॉन्ड है बीच में दो कण के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में वो उसका वो एनर्जी का यूज हो रहा है, और इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाला पानी नहीं मिल सकता है। क्लियर है? वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा। अब देखिए, अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए एक हम लोग गर्म पानी लेंगे, पूरा एकदम खोलता हुआ पानी लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस है इसमें, और एक हम लोग भाप लेंगे, इधर भाप है, ओके एक स्टीम है यहाँ पर, यानी कि भाप है इधर, कौन ज़्यादा शक्तिशाली होगा, किसमें अधिक ऊर्जा होगा? तो कॉमन सी बात है, भाप में अधिक ऊर्जा होगा। क्लियर है? क्योंकि भाप में देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाने पर भाप बना है, तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस इसे अधिक तापमान है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान है भाप में, लेकिन पानी में सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो इसलिए भाप से लोग जल्दी जल जाता है, लेकिन गर्म पानी से भी जलता है लेकिन भाप से अधिक जलता है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो देखिए ठोस को हम लोग द्रव में बदल सकते हैं और गैस में बदल सकते हैं, और गैस को हम लोग वापस द्रव में बदल सकते हैं, उसके बाद ठोस में बदल सकते हैं, ओके तो ये एक साइकिल जैसे है। क्लियर है? इसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, ठोस से उसको द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को फिर से गैस में, और गैस को फिर से हम लोग द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को फिर से हम लोग ठोस में बदल सकते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वपातन, ये भी एक नया टर्म है ऊर्ध्वपातन। अब जनरल देखिए हम लोग ठोस से द्रव बदलते हैं, क्लियर है? ठोस से द्रव बदलते हैं, उसके बाद द्रव से हम लोग गैस बदलते हैं। अब मान के चलिए ठोस से डायरेक्ट अगर हम लोग गैस में बदल दें तो ठोस से है, ठोस से डायरेक्ट हम लोग गैस में बदल देते हैं तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। इसमें द्रव नहीं बनता है, डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाएगा, ओके तो चलिए हम लोग ऊर्ध्वपातन का यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ओके देखिए ठोस से डायरेक्ट अगर ये ठोस है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर उसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली कहने का मतलब मीठा वाला प्याली नहीं, ये चीनी का प्याली कहने का मतलब कोई भी एक बर्तन में रखना है, ओके बर्तन में रखना है, चीनी मिट्टी का बर्तन में रखना है कहने का मतलब। अगर देखिए चीनी की प्याली पर टीप को उल्टा करके रखिए, टीप के सिरे पर रुई की डाट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए, हम देखेंगे कि कपूर या अमोनिया क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवार पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं। तो इस तरीके से जो नीचे डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला को भी आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर देखिए चीनी का बर्तन है, चीनी मिट्टी का बर्तन है, यहाँ पर अमोनियम
क्लोराइड है, नीचे गर्म करेंगे तो यहाँ पर द्रव में बदले, डायरेक्ट ये वाष्प में यहाँ पर बदल जाएगा। ओके, इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, ओके, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब ये वायुमंडलीय हवा है, इसको हम लोग संपीड़ित करेंगे सब तरफ से, इधर से, इधर से, इधर से, सब तरफ से इसको हम लोग दबाएंगे। ओके, सब तरफ से दबाएंगे तो आपस में ये चिपक जाएगा। कहने का मतलब इसका रिक्त स्थान आपस में जो कण है, कण के बीच में जो स्थान है वो कम हो जाएगा, तो ये गैस से द्रव में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला डायग्राम को भी आपको बनाना है। यहाँ पर एक कोई भी बर्तन है, यानी कि समझ सकते हैं, और ये पिस्टन है, यहाँ से हम लोग गैस लिए हैं, यहाँ पर उसको दबाएंगे, यहाँ पर देखिए दबाएंगे तो ये दब जाएगा, संपीड़ित हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से ये वाला कॉपी आप ड्रॉ कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा, ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। क्लियर है? ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे तो गैस का जो कण है नज़दीक आ जाएगा। देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस को वापिस गैसीय, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। ओके, तो देखिए, बिना द्रव अवस्था में बदले इसको हम लोग गैसीय अवस्था में बदल सकते हैं। अब आगे देखिए, इसके लिए दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेयर तक करना होगा। एक एटमॉस्फेयर करने में दबाव का जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर में होता है, एक एटमॉस्फेयर, दो एटमॉस्फेयर, इस तरीके से। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, याद करने वाला ही MCQ में कभी कभी पूछा जाता है कि ड्राई आइस, ओके, ड्राई आइस किसको कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, सूखा बर्फ। ओके, ये MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूखा बर्फ किसको कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको यहाँ पर आप स्टार बना लीजिएगा और यहाँ बगल में लिखिएगा IMP, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है। तो देखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर जैसे कि द्रव है, द्रव से अगर हम लोग गैस में बदलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पीकरण। क्लियर है? और गैस से हम लोग अगर इसको ठोस में बदल रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग संघनन। ओके, संघनन। और अगर देखिए, ठोस से हम लोग इधर है ठोस, ठोस से हम लोग अगर इस द्रव में बदलेंगे तो इसको बोलते हैं जमना, और ठोस से अगर हम लोग गैस में बदलते हैं तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ओके, और अगर गैस से है, गैस को हम लोग ठोस में बदल रहे हैं तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ओके, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है इसको, दोनों को ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और देखिए, लास्ट बच गया यहाँ पर, अगर ठोस से है, ओके, अगर यहाँ पर ठोस से है, ठोस को हम लोग द्रव में बदलेंगे तो इसको गलनांक कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, तो ये जो यहाँ पर चार्ट है इसको आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये वाला आपको याद करना पड़ेगा और नोट में भी इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा आपका, इस तरीके से आएगा, जैसे कि यहाँ पर ठोस लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर द्रव लिखा हुआ रहेगा, और ठोस से द्रव में बदलना को क्या कहा जाता है, यहाँ पर खाली स्थान रहेगा, गलनांक की जगह खाली स्थान रहेगा तो आपको गलनांक लिखना रहेगा, या फिर गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है तो आपको लिखना पड़ेगा ऊर्ध्वपातन, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, द्रव से आपको गैस बदलना है तो इसको क्या कहेंगे, तो वाष्पीकरण, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाष्पीकरण। ओके, देखिए, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर है? मतलब कोई भी जैसे कि गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कह सकते हैं। फिर नीचे देखिए, सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण वे वाष्प में बदल जाते हैं। ओके, और नीचे देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा IMP। ओके, अब देखते हैं पहला, सतही क्षेत्रफल। ओके, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्लियर है? अगर मानकर चलिए यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट है और यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेट है, और यहाँ पर एक कप पानी डालें, यहाँ पर भी एक कप पानी डालेंगे, और ये छोटा बर्तन है तो इसमें वाष्पीकरण दर कम होगा। क्लियर है? यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर सतही क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका वाष्पीकरण अधिक होगा, यहाँ का जो पानी रहेगा वो जल्दी सूख जाएगा जबकि छोटा वाला बर्तन का पानी नहीं सूखेगा। क्लियर है?
अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर, तापमान में वृद्धि। वाष्पीकरण में अगर बढ़ाना है, वाष्पीकरण को बढ़ाना है, तो जल्दी जल्दी हम लोग ज़्यादा गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण तेजी हो जाएगा, तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर देखिए आर्द्रता, यहाँ पर आर्द्रता का मतलब हवा में नमी। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। पहले से ही हवा में अगर नमी है तो वाष्पीकरण कम होगा। हवा में नमी है कहने का मतलब वहाँ का तापमान कम है, और जब तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण कम होगा। तापमान देखिए यहाँ पर अधिक होता है तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। अब देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ा देंगे हम लोग तो भी वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। आप लोग जानते होंगे बरसात के दिनों में कपड़ा नहीं सूखता है तो हम लोग पंखे के सामने रख देते हैं, कपड़ा सूख जाता है क्योंकि वहाँ पर हवा बहते रहता है। ओके, वायु की गति वहाँ पर अधिक होती है इसलिए कपड़ा सूख जाता है। अगर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। हवा क्या होता है कि हवा जल का कण को लेकर वहाँ से चला जाता है, उड़ते जाता है वहाँ का पानी, इसलिए वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है वायु की गति से। अब नेक्स्ट देखिए, वाष्पीकरण से शीतलता होती है। ओके, वाष्पीकरण से शीतलता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। क्लियर है? तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका उदाहरण। यहाँ पर देखिए, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। तो देखिए, आप पेट्रोल रखिए अपने हाथ पर, या एसीटोन रखिए, या फिर आप कोई परफ्यूम अपने हाथ पर लीजिएगा तो ठंडक पहुंचता है। ठंडा क्यों पहुंचता है? क्योंकि देखिए, पेट्रोल का एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर ये हथेली पर आप पेट्रोल रखिएगा तो पेट्रोल तुरंत उड़ जाता है। अब पेट्रोल उड़ जाता है तो उड़ने का क्या कारण है? वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए, तो क्या होता है कि यहाँ हमारे हथेली से एनर्जी लेता है पेट्रोल और उड़ जाता है, और यहाँ पर जो हीट एनर्जी रहता है हथेली में उसको ले लेता है पेट्रोल, और हीट एनर्जी हमारा हाथ का हीट एनर्जी ले लेता है पेट्रोल, तो हाथ में ठंडा ही ना बचेगा, गर्मी तो सारा पेट्रोल लेकर उड़ जाता है खुद, तो इसलिए हम लोगों को ठंडा लगता है वहाँ पर। इसे आप याद कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो उदाहरण है ये सब इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड नंबर देखिए, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपको इस तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। अब देखिए तीसरा नंबर, गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदानों से ऊर्जा यानी कि गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। ये भी कॉमन है, सेम है कि जो वाष्प है उसको वाष्पीकरण, मतलब पानी है वाष्पीकरण होना है, आसपास का गर्मी को अपने में ले लेगा और वाष्पीकृत हो जाएगा, और आसपास का गर्मी को सोख लिया है तो आसपास ठंडा बचेगा। तो इस तरीके से ये हमारा नोट कंप्लीट होता है चैप्टर वन का। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।